छत्र की छाया। फुलेरे का मतलब क्या है? हरतालिका तीज पे मेरी बहनें, हरतालिका तीज पर मेरी जीजियां, और हम तो निवेदन करेंगे कि एक बार दिल से केवल दिखावे से नहीं, किसी और वाले महाराज ने कह दिया तो चलो अपन करके तो देखे, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता। और कर लो प्रैक्टिकल, तुम तो सियोर वाले महाराज की वचन का भी प्रैक्टिकल करो और करते रहना चाहिए। प्रैक्टिकल में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन देते देते उन्होंने कह दिया मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। शराब पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है। महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, चिल्ला कर बोला महाराज इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहा, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा, तो इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के नाली में पड़ा, तो हमको ज्ञान दे रहा है, अपने भाई को क्यों नहीं देता। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, मुस्कुराकर बोले भैया देखो मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। हम एक बार करके तो देखे, आखिर सियोर वाला महाराज बोला है तो करके तो देखे। हम कहे कैसे भी जाओ, तुम जाओ तो सही, जब उसकी छत्र छाया में उसके फुलेरे का दर्शन करने के लिए जाओगे, उसके पुष्प का दर्शन करने के लिए जाओगे, तो हरतालिका तीज के दिन हम कहें भादो सावन का महीना केवल शिव का है, भादो का महीना मेरे शंकर के पूरे परिवार का है। जब हरताली का तीज का फुलेरा बनता है उसके दूसरे दिन गणेश जी आ जाते हैं, गणेश जी के बाद रिद्धि सिद्धि आ जाती है, रिद्धि सिद्धि के बाद स्वयं सदानंद कार्तिकेय आ जाते हैं, सदानंद कार्तिकेय के बाद में नारायण लक्ष्मी को लेकर दिवाली के टाइम आ जाते हैं, ऐसा शरद पूर्णिमा की चंद्रमा आ जाती है, अमृत तत्व बरसने लगता है। हरताली का तीज के बाद त्यौहार क्यों चालू होते हैं? भादो की हरताली का तीज के बाद में हस्त नक्षत्र के बाद ये त्यौहार क्यों चालू होते हैं? क्योंकि भादो के महीने में जो फुलेरे का दर्शन कर लेता है तो उसके घर में बुद्धि के देव गणेश, उसके घर में रिद्धि सिद्धि, उसके घर में लक्ष्मी नारायण, उसके घर में स्वयं देवता सब आकर विराजमान होना चालू हो जाते हैं। ये फुलेरे का महत्व है। बस दिल से बांधो, दिल से प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो। शंकर क्यों ना मिलेगा? आप फुलेरे का दर्शन कर रहे हो, उसकी छत्र छाया में बैठे हो, एक पुष्प का दर्शन कर रहे हो, अर्थात हम जब मंदिर में जाएं, हम हरतालिका का दर्शन करने के लिए जाएं, हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन करने के, एक भाव लेकर जाओ, एक अटल विश्वास लेकर जाओ, एक दृढ़ता लेकर जाओ, एक भरोसा लेकर जाओ, बिना भरोसे के परमात्मा के पास जाऊं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता, आप मानोगे तो गंगा है ना, आप मानोगे नहीं तो फिर वो गंगा कहां सर करेंगे महाराज, बहता हुआ पानी। आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम शिव को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है हम शंकर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 6 वर्ष की अवस्था है माता पार्वती जी की, बाल्यावस्था, छोटी सी अवस्था, नहीं जानती पार्थिव लिंग का निर्माण कैसे करना है, ये उनको नहीं आता। पार्थिव लिंग का निर्माण कैसे करना है ये उनको नहीं मालूम है, माता पार्वती जी को नहीं गया, वो तो अपने देव ऋषि नारद के कहने पर बस केवल तप साधना में लगी हुई है, अपनी तप साधना में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम अपनी तप साधना में माता पार्वती जी लगी हैं, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही हैं, षडाक्षर मंत्र का जाप कर रही हैं, बड़े प्रेम से भगवान शिव को पुकार रही हैं, बड़े प्रेम से, एक विश्वास के साथ। पार्थिव लिंग का निर्माण करना नहीं आता उनको, और जब भरोसे के साथ, जब विश्वास के साथ भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने की एक भाव हमारे भीतर प्रकट होता है, पार्थिव लिंग के निर्माण, जितनी हरतालिका तीज का पूजन करने वाली मेरी जीजियां हैं
उनसे निवेदन है, जब पार्थिव शिवलिंग आप घर में बनाएंगे हरतालिका तीज के पूजन के लिए, प्रदोष काल से आप पूजन करना प्रारंभ करते हो, दूसरे दिन तक प्रातः तक आपकी पूजन चलती रहती है ब्रह्म मुहूर्त तक, तो जब आप पूजन करने के लिए पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं जिनके यहाँ पर पूजन होती है वो, तो दिल से बाबा से प्रार्थना कर कर शिवलिंग बनाइए, दिल से माता पार्वती का निर्माण करिए, दिल से आप बाबा का गणेश जी का निर्माण कर, दिल से आप उसका पूजन करिए, दिल से। किनको लेकर गई थी माता पार्वती जी? हरतालिका तीज का कथा कहती है, जब पार्वती जी अपने घर से गई थी भगवान विष्णु के साथ, देवऋषि नारद ने हिमालय राज जी को कहकर कह दिया था कि पार्वती का विवाह नारायण के साथ कर दो, पार्वती को जैसे ही मालूम पड़ा पार्वती जी अपना घर छोड़कर चली। कई कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हम जिस मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं वहां का जो शिवलिंग है उसकी दिशा पूरब में, कोई कह देता है पश्चिम में है, कोई कह देता है दक्षिण में है, कोई कह देता है उत्तर में है, कोई कहता है हमको मालूम ही नहीं कि हम जिस मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं उसकी दिशा किस ओर है। क्या हम मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं और भगवान शंकर हमारे जल को स्वीकार कर रहा है? क्यों नहीं करेगा भगवान शिव उसको स्वीकार? क्यों नहीं करेगा भगवान शंकर? क्यों ना स्वीकार करेगा? बस क्या चाहिए? भगवान शंकर ये नहीं देखता कि तुम भगवान शिव को क्या दे रहे हो। मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान तो कहते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम दिल से हृदय से मुझे जो चढ़ा रहे हो मैंने उसको स्वीकार करा। कलकत्ता में कहा था कड़प का चरित्र, कल कड़प के चरित्र का वर्णन करते हुए अपन ने सुना था कि उसने अपने मुख में जल भर लिया था क्योंकि उसके पास में पात्र नहीं था। उसने अपने हाथ में थोड़ा सा मांस ले लिया, कोई जीव को मार दिया, उसका मांस हाथ में लेकर भगवान के पास पहुंच गया। वो नहीं जानता था थोड़े से बेलपत्र की जगह पर उसने पत्तियां तोड़ ली और भगवान के मंदिर पहुंच गया, तो क्या शिव नहीं मिले? शिव महापुराण में कड़प का चरित्र आता है, उस भील का चरित्र आता है, कड़प का चरित्र आता है और भगवान की कथा कहती है कि कड़प के लिए भगवान स्वयं सम्मुख में प्रकट हो गए क्योंकि उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि उसने अपना एक नेत्र निकालकर भगवान शंकर के शिवलिंग को दे दिया। उसकी इतनी भक्ति प्रबल हो गई। जब व्यक्ति का विश्वास, जब व्यक्ति की दृढ़ता, जब व्यक्ति का भरोसा पक्का होता है तो शंकर उसे स्वीकार करते ही हैं। 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष में खूब भाव से जितने शिव भक्त कथा सुनने आए सबका मुंह झूठा हो, आपके कण मात्र से भी वो मुख झूठा हो, बड़े प्रेम से कथा। भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र और एक निवेदन है, 16 श्राद्ध में एकम तिथि हो, दूस तिथि हो, तीस तिथि हो, चतुर्थी हो, पंचमी हो, छठ हो, सप्तमी हो, जिनके पूर्वजों की जो भी तिथियां उस समय पर पड़ेंगी उन तिथियों में प्रतिदिन 2 दिन में एक दिन आपको जो आप मिसकाल दे रहे हैं उस मिसकाल पर आपको एक मैसेज हर 2 दिन में पहुंचेगा श्राद्ध पक्ष का, कि अगर हमारे यहाँ पर कोई विघ्न आ रहा है श्राद्ध पक्ष में, कोई जीव चले गया अचानक और उसका कोई दोष हमारे यहाँ बताया, काल सद दोष बताया या पितृ दोष बताया या वास्तु दोष बताया, तो उसका हल कैसे कर सकते हैं श्राद्ध पक्ष में? हर 2 दिन में एक मैसेज आपके पास पहुंचेगा, जो आप मिसकाल दे रहे हैं उस मिसकाल पर आपको, केवल आप मिसकाल देंगे मतलब मोबाइल से आपने फोन लगाया एक बट्टू बजेगा और वो बंद हो जाता है, मिसकाल हो जाता है आपका, आपको उसमें एक मैसेज आएगा व्हाट्सएप पर, फिर आपको सूचना आना हर 2 दिन में प्रारंभ हो जाएगी। मिसकाल नंबर जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं वो मिसकाल कर सकते हैं 74338, फिर वापिस 74338, ये मिसकाल नंबर है जिस पर आप मिसकाल देंगे तो आप समिति से जुड़ जाएंगे और आपको सूचना आना प्रारंभ हो जाएगी। तो शिव महापुराण की कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, एक विश्वास के साथ शिव से जुड़ा। हम जब मिट्टी के ढेर में शक्कर पड़ी होती है और चींटी केवल मिठाई को ही चुनती है, शक्कर के कण को ही चुनती है, आप जब भगवान की भक्ति में जाएं तब भगवान की केवल चरणारविंद को ही चुने, भगवान की पवित्र कथा को ही चुने, भगवान की भक्ति